आज मैं अभी शाही मस्जिद मागाम में मौजूद हूँ, जो हलके नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टेंसी में यह मस्जिद आती है। हर साल इस मस्जिद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मजलिस नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत के अंदर टेम्पररी शेड का काम किया जाता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में कसीर तदाद में तरावीह की नमाज़ होती है, जिसके अंदर जितने भी मुसल्ली आते हैं उनकी सहूलत के लिए ये शेड का इंतज़ाम किया जाता है और एयर कूलर्स भी लगाए जाते हैं। ये जो शेड अब जो मौजूदा डाला जा रहा है, जिसके इंस्पेक्शन के लिए मैं और मुकामी नुमाइंदा कारपेंटर जनाब आरिफ रिजवान साहब आए हैं, ये 10,40,000 रुपये का टेंडर है। ये शेड का काम जो चल रहा है, इंशाल्लाह ताला आज रात या कल सुबह तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसी के साथ साथ हुकूमत तेलंगाना को नुमाइंदगी करने के ऊपर यहाँ का जो साउंड सिस्टम है शाही मस्जिद बागयाम का, उस साउंड सिस्टम को भी पूरा नया इंशाल्लाह एक दो दिन में बिठा दिया जाएगा, वो भी अल्लाह चाह तो इंतज़ाम हो गया है। इसके अलावा हुकूमत तेलंगाना की जानिब से यहाँ पर, चूँकि ये एक मशहूर मस्जिद है, पूरे तेलंगाना के अंदर दो ही मस्जिद है जो स्टेट ऑनर मस्जिद है, एक मक्का मस्जिद एक शाही मस्जिद, यहाँ पर रोज़ इफ्तार का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। एक दो दिन के अंदर 300 किलो खजूर यहाँ पर पहुँचाए जाएंगे और रोज़ इफ्तार और पानी का इंतज़ाम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि हलके नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टेंसी के अंदर जितने भी मसाजिद है, जहाँ पर भी वज़ू की अगर तकलीफ़ है वहाँ पर डेली टैंकर भिजाया जाएगा पानी का, और तमाम मसाजिद के अंदर रमज़ान में मॉडर्न लेटिंग किया करा रहे हैं, वो लेटिंग का भी इंतज़ाम किया जाएगा। और अल्लाह के फजल करम से अगर कोई रमज़ान के महीने में किसी को अगर तकलीफ़ रहेंगी तो हमारी टीम पूरी, चाहे वो कारपेंटर्स हो, इब्तदाई सदर मोतमदीन हो और एक्टिव वर्कर हो, तमाम के तमाम सर्विस देने के लिए तैयार है। मैं आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप, चूँकि मौजूदा हालात के अंदर फिर से कोविड ज़रा ज़्यादा उरूज पर है, तो अपने अपने एहतियात में रहते हुए कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करिए, मास्क रेगुलर लगाइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। चूँकि इबादत तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने को करना है, कोई हुकूमत की जानिब से अब की मरतबा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसा पिछले साल रिस्ट्रिक्शन था। हमको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह ये रमज़ान का महीना जो आ रहा है, इस रमज़ान के महीने में तमाम लोगों की न सिर्फ रोज़े इबादतों को कबूल कर और इसके ख़ास इस मुबारक महीने की तरफ से ये जो वबा चल रही है कोविड की, जो करोना वायरस जिसको कहा जा रहा है, इसका खातिमा कर। चूँकि हम बहसियत मुसलमान हम सिर्फ़ और सिर्फ दुआ कर सकते हैं और यही जो भी है ये बीमारी का खातिमा अल्लाह सुबहानहु ताला कर सकता है। तो मेरे साथ में आरिफ रिजवान साहब एरिया कारपेंटर, जनाब वसीम साहब साबिका कारपेंटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम मौजूद है, और आप लोग जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से रमज़ान की मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान आपके हमारे लिए एक रहमत का ज़रिया बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।